अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी फेमस स्टार वहाज अली के बारे में। देखा जाए तो वहाज अली के लिए 2023 बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ है, क्योंकि इस साल वहाज अली के बहुत ज़्यादा ड्रामा सीरियल्स आए और वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा हिट रहे। इन ड्रामा सीरियल्स में ना सिर्फ वहाज अली की पर्सनैलिटी को बल्कि इनकी एक्टिंग को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से थे ये ड्रामा सीरियल्स। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर जो ड्रामा सीरियल आता है, इस ड्रामा सीरियल का नेम है मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था ड्रामा सीरियल 2023 में आने वाला वहाज अली का एक फेमस ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामा सीरियल में वहाज अली की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। वहाज अली ने इस साल कुछ ऐसे करेक्टर्स लिए जिससे इनकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई। इस ड्रामा सीरियल में आपको वहाज अली साथ का करेक्टर पोर्ट्रे करते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा लड़का होता है और वो अपनी कज़न से बचपन से प्यार करता है लेकिन कभी भी इजहार नहीं कर पाता। तो ये ड्रामा सीरियल आगे कैसे प्रोसीड करता है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब नंबर 4 पर जो ड्रामा सीरियल आता है, इस ड्रामा सीरियल का नेम है तेरे बिन। तेरे बिन ड्रामा सीरियल अगर कहा जाए तो वहाज अली के कैरियर का एक ऐसा ड्रामा सीरियल है जिसने इनके कैरियर को एक अलग डायरेक्शन दी और वहाज अली बन गए पाकिस्तान के सुपरस्टार। इस ड्रामा सीरियल में आपको वहाज अली और जुमना सदीकी लव केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इस ड्रामा सीरियल ने तमाम व्यूज़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस ड्रामा सीरियल की हर एक एपिसोड पर 10 मिलियन से अबव व्यूज़ आया करते थे और इस ड्रामा सीरियल का ओएसटी भी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। ये ड्रामा सीरियल देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस ड्रामा सीरियल में आप यमुना सैदी और वहाज अली के फ़ैन हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने ड्रामा सीरियल देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको ड्रामा सीरियल कैसा लगा। और अगर आप लोग यमुना और वहाज के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तेरे बिन ड्रामा सीरियल जियो चैनल पर नशर किया गया। इसकी तमाम तरह एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तेरे बिन ड्रामा सीरियल ना सिर्फ वहाज अली के कैरियर का बेहतरीन ड्रामा सीरियल है बल्कि इस ड्रामा सीरियल ने रोमांस के भी अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिए और मुर्तसिम और मीरब को बनाया पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सुपरहिट कपल्स। नंबर 3 पर जो ड्रामा सीरियल आता है, इस ड्रामा सीरियल का नेम है 22 कदम, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर लॉन्च किया गया। 22 कदम ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में आपको वहाज अली के साथ हरीम फारूक नजर आएंगी। इस ड्रामा सीरियल में ना सिर्फ लव स्टोरी पर फोकस किया गया है बल्कि एक डिफरेंट स्टोरी लाइन रखी गई जिसमें आप क्रिकेट लवर्स को देखेंगे। एक ही साल में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने की वजह से वहाज अली को एक वर्सेटाइल एक्टर का भी खिताब दिया गया। आपको वहाज अली इस ड्रामा सीरियल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगेंगे और इनकी एक्टिंग तो हमेशा की तरह सुपर्ब होगी। आपको इस ड्रामा सीरियल में हरीम फारूक वहाज अली का कपल भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने 22 कदम ड्रामा सीरियल को देखना स्टार्ट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके इस ड्रामा सीरियल के बारे में क्या ओपिनियन है। अब नंबर 2 पर जो ड्रामा सीरियल आता है, इस ड्रामा सीरियल का नेम है जुर्म, जो कि जियो चैनल पर ऑन एयर हुआ था। इस ड्रामा सीरियल की लीड कास्ट में आपको वहाज अली के साथ दुरफ्शा नजर आई थी। इन दोनों की भी ऑन स्क्रीन कपल को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। आप लोगों ने ड्रामा सीरियल जुर्म देखा है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इस ड्रामा सीरियल की बहुत ही कम एपिसोड्स थी लेकिन इन कम एपिसोड्स के बाद भी इस ड्रामा सीरियल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया गया था जिसे जुर्म ड्रामा सीरियल की व्यूवर्स ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो अगर आप लोगों ने ड्रामा सीरियल जुर्म अभी तक नहीं देखा तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब नंबर 1 पर जो ड्रामा सीरियल आता है, इस ड्रामा सीरियल का नेम है मैं। ड्रामा सीरियल एआरवाई डिजिटल पर ऑन एयर हुआ जिसकी लीड कास्ट में आपको आयजा खान और वहाज अली नजर आएंगे। ये ड्रामा सीरियल 2023 का बिगेस्ट ड्रामा सीरियल भी कहलाया जा सकता है। मैं ड्रामा सीरियल को हाई बजट पर तैयार किया गया और इस ड्रामा सीरियल में दोनों ही टैलेंटेड एक्टर्स को भी कास्ट किया गया। तो इस ड्रामा सीरियल से तमाम तर नाजरीन को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। ये ड्रामा सीरियल अभी भी एआरवाई डिजिटल पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। इस ड्रामा सीरियल की बस चंद ही एपिसोड्स लॉन्च की गई हैं जिनमें इन दोनों के कपल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि क्या आप लोग को लगता है कि मैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन ड्रामा सीरियल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। और अगर आप लोग वहाज अली के फ़ैन हैं और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, आप लोग मुझे बताएगा कि आपको इन 5 ड्रामा सीरियल्स में सबसे ज़्यादा ड्रामा सीरियल कौन सा अच्छा लगा और आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ड्रामा सीरियल या 22 कदम कौन सा ड्रामा सीरियल ज़्यादा हिट होगा। ऐसा देखा जाता है कि कोई साल किसी एक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा। जैसे कि फिरोज़ खान के लिए 2023 कुछ अच्छा साबित ना हो सका
बिल्कुल वैसे ही बहार चले के लिए 2023 बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ, जिनमें के तमाम तर ड्रामा सीरियल्स आए और छा गए। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।